अरे वो अभी फिलहाल घर पे है ना वो तो दादा नाले पे। आज देवी के मिलने का मेरा एक दोस्त है अरसा डेम्पर वाला, अरसा डेम्पर वाला, उसका मुझे फोन आया कि यार पवारवाड़ी ब्रिज के नीचे एक बॉडी मिली है मेंबर साहब, आप उसको पहचानते क्या? मतलब तू दो मिनट रुक, मैं वहीं पहुंच रहा। मैं वहां पहुंचा तो पवारवाड़ी पुलिस के जो अमला वहां मौजूद थे, मैंने शनाख्त की पहचाना, तो मैं सोनगांव फाटे के पास मुर्शद अपने वेंकट स्कूल है वहाँ का रहवासी था ये शकील मोहम्मद ताज, शकील अहमद मोहम्मद ताज। ये शख्स वहाँ पे जख्मी हालत में था, पुलिस वालों का ऐसा बोलना है कि इसकी सांस चल रही थी, एक लंबी सांस लिया बोले, और उसके बाद बोले इसका इंतकाल हो गया। फिर वहाँ फौरन हमारे खाली सरहदी हमारे शकील भाई और महल्ले के तमाम जिम्मेदार वो लोग को बुलाए, और बुलाकर वो बॉडी को सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अभी आगे कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट कर रहे हैं, और महल्ले के जिम्मेदारों के हाथ में उनके भाई के हाथ में भी इंशाल्लाह पोस्टमार्टम करके बॉडी दी जाएगी। क्या किस जगह पर डेड बॉडी मिली, ऐसी कोई शंका या मतलब कोई हादसा थी या क्या? मैं ऐसा बता रहे महल्ले के लोग के अक्सर बीमार सीमार रहता हो, और मतलब थोड़ा प्रॉब्लम भी था उसको, वो हिसाब से मतलब उस गिर गया होगा ऐसा सब वो संकेसा लगा रहे, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये रात से कब निकले थे घर? ये सुबह घर से कब निकले? सुबह 7:30 बजे महल्ले के एक शख्स है मौलाना है बेचारा, उसने मुझे बताया कि अच्छा भला निकला था, बोले सुबह 7:30 बजे फिर ऐसा हादसा पेश आया, और जब हादसा पेश आया ना वहाँ पर एक बच्चों मतलब आंगनबाड़ी स्कूल है उसके पास ये मतलब इनकी बॉडी मिली है हमारे स्कूल में। अभी चंद दो घंटा पहले मुझे खालिद सरहदी और फैसल ड्राइवर एम्बुलेंस वाले ने फ़ोन करे, भाई पवारवाड़ी के नीचे एक आंगनवाड़ी स्कूल है वहाँ पर एक लावारिस बॉडी के नाम मिली हुई है, लेकिन उसको चंद मिनटों में शनाख्त तो हो गई शकील अहमद ताज मोहम्मद के नाम से। तो मुझे खालिद सरहदी ने कहा तुम सिविल हॉस्पिटल आओ, यहाँ आने के बाद पूरी जानकारी मिल गई कि वो सुबह शायद घर से निकला है ऐसा उनका भाई का कहना है, और उसका अपना एक धंधा था भेलपूरी वगैरह का वो कारोबार करता था, लेकिन कुछ भाई उसका ऐसा बता रहे थे कि उसकी तबीयत वगैरह हमेशा ख़राब रहती थी। तो उसको खालिद सरहदी और फैसल को पैर पवार वाली सेक्शन से फ़ोन आया तो एम्बुलेंस पर लेकर सिविल हॉस्पिटल आए, बाकी की जानकारी यहाँ और भी सब तमाम सोशल वर्कर लोग कर रहे हैं। अली हसन भाई का भी फ़ोन आया था ड्राइवर को, बाकी यहाँ पर इंक्वायरी चालू है इंशाल्लाह, पोस्टमार्टम वगैरह की जो भी कार्रवाई है यहाँ सोशल वर्कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग लगे हुए हैं, इंशाल्लाह चंद घंटे में वो बॉडी रिश्तेदारों के हवाले दे दी जाएगी। ये प्रॉपर ये सोनगांव फाटे गौसपुरे का रहने वाला है शकील अहमद ताज मोहम्मद, 38 साल उम्र है शायद उसकी।